हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास टेंथ का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 41 लेकर आए हैं और यह वर्कशीट 8 अक्टूबर 2020 के लिए है। तो आज आपका जो भारतीय अर्थव्यवस्था के जीवन रेखा में वायु परिवहन आपको आज पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसे एक एक करके बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन वर्कशीट का मिल पाए यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वायु परिवहन, आप सभी को पता होना चाहिए वायु परिवहन जो है ना, क्या वायु परिवहन जो हवा में एयरवेज होता है ना, जैसा कि आप वायु परिवहन यातायात का तीव्र गतम किंतु महंगा साधन है। ये कैसा है? काफ़ी जल्दी हम पहुंच जाते हैं जहाँ भी हमें जाना होता है, लेकिन महंगा साधन है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, ये जो भारत जैसे विशाल तथा व्यापक जलवायविक विविधता वाले देशों में, भारत में विशाल और जलवायविक विविधता अर्थात भारत में कई जाति, कई धर्म, कई संप्रदाय, कई भाषा बोलने वाले, ठीक है, तो अलग अलग जो है ना क्या विविधता है, और विविधता में भी एकता है वाले देशों में वायु परिवहन का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। यहाँ काफ़ी और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ विविधता वाली देश है, ठीक है। वायु परिवहन आंतरिक परिवहन के साथ दूसरे देशों के साथ संपर्क स्थापित करता है, अर्थात वायु परिवहन क्या करता है, एक देश दूसरे देशों के साथ अगर कोई साझा संपर्क करता है, अपना कोई ऐसे साइन मेमोरेंडम जो साइन करता है, जैसे भारत को अगर जो है ना अफगानिस्तान से या फिर भारत को चीन से, ठीक है, कुछ लेना हो तो वो वायु परिवहन के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह से मतलब क्या करते हैं, हम लेते हैं। जैसा कि कोरोना के समय में आप लोगों ने देखा होगा, जो क्लोरोक्वीन जो है ना, वो मच्छर वो मलेरिया की दवा थी, तो उसे पहुंचाने के लिए हम लोग क्या वायु परिवहन का ज़्यादा यूज करते थे, जैसे चाइना से भारत में, भारत से अमेरिका में, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है ना क्लोरोक्वीन को अमेरिका को भेजा था, तो वायु परिवहन के माध्यम से ही हमने भेजा था। तो संपर्क करने की दृष्टि में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, अर्थात वायु यात्रा एवं माल परिवहन के अलावा देश की रक्षा के लिए भी वायु यातायात का विकास आवश्यक है। अर्थात ये देखिए, जैसा कि एक देश से दूसरे देश जाते हैं उसके लिए भी वायु परिवहन की अति आवश्यकता है। अगर देश अपने कंट्री में ही डोमेस्टिक एयरपोर्ट एयरवेज कहते हैं, अर्थात आप जैसे आप दिल्ली से पटना जाना चाहते हैं, दिल्ली से चंडीगढ़ जाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये जो एयरपोर्ट है मतलब आप देश में भी जा सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, एक डोमेस्टिक होता है, एक इंटरनेशनल होता है फ्लाइट, ठीक है, और ये वहाँ तो होता ही होता है महत्वपूर्ण, साथ साथ ये जो फ्लाइट है ये आपका महत्वपूर्ण अपने देश की सेना के लिए, ठीक है, देश की रक्षा के लिए वायु यातायात का विकास आवश्यक है। आपातकालीन स्थिति में वायु परिवहन की सुविधा महत्वपूर्ण है, अर्थात आपातकालीन स्थिति में जैसा कि भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, ठीक है, या तो इस परिस्थिति में क्या होता है, हम मानव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर एक देश दूसरे देश को मदद करना चाहता है तो उस कंडीशन में वो वायु परिवहन के माध्यम से ही वो मदद कर पाता है आकर, ठीक है। चाहे 1990 या 91 में खारी युद्ध के दौरान जॉर्डन एवं अन्य खारी देशों से नागरिकों की वापसी हो, या कोरोना महामारी के दौरान विश्व के अलग अलग देशों में से भारतीय नागरिकों को वापसी, अर्थात कहा जा रहा है 1990 और 1991 में जो ना खारी युद्ध हुआ था उसके दौरान जो जॉर्डन था ना और दूसरे देश के नागरिक को वापसी भेजा गया था, ठीक है, और कोरोना महामारी के समय में भी जैसा कि आप लोगों ने सुना है और देखा भी है, जो विदेश से लोग आए थे तो हमारे देश में कोरोना फैला था, तो विदेश के से लोग कौन थे, तो विदेश से लोग हमारे ही देश के लोग थे जो विदेशों में काम करते थे, ठीक है, वही लोग थे। तो ये कैसे संभव हुआ उनका आना, वायु परिवहन के माध्यम से। वायु
यातायात ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। हिमालय के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क एवं रेल सुविधा के अभाव के कारण वायु यातायात की ही सहारा लिया जाता, अर्थात हिमालय जैसे एरिया में, क्षेत्र में जहाँ पहाड़ होती है, जहाँ ऊबर खाबर होती है जगह, ठीक है, वहाँ क्या किया जाता है, वायु का ही सबसे अच्छा साधन है, और वो क्या है, हवाई जहाज है। वायु यातायात द्वारा डाक सामग्री भी तीव्रता से पहुंचाई जा सकती है, अर्थात देखिए जैसे कि डाक से हम जो पत्र भेजते हैं, स्पीड पोस्ट भेजते हैं, वो वायु यातायात के द्वारा ही वो एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जल्दी पहुंच जाता है। अब देखिए 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब किया गया था, 1953, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ओके बच्चों। अब देखिए पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड देश के अगम्य एवं दुर्गम भागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक भागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है, अर्थात पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है ना, क्या कर, ये जो पूर्वी राज्य जो भारत के हैं, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य, कश्मीर है, हिमालय है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, इन सब में क्या करता है, हेलीकॉप्टर की सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, ठीक है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 18 फरवरी 1911 में हुआ था, कब हुआ था, ये भी डेट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप याद रखेंगे, तो ये 18 फरवरी 1911 में हुआ था, जब इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान से डाक ले जाया गया। यह दुनिया की पहली मेल सेवा थी। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, पहला छात्रवृत्ति छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा सांता कुंज मुंबई, उसके बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पालम दिल्ली, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दमदम कोलकाता, और मीन मम्बकम हवाई अड्डा चेन्नई। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसमें जो कुछ क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एयर इंडिया से जुड़े कुछ देशों के नाम लिखिए। उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन का महत्वपूर्ण क्यों है, ये सारे क्वेश्चन का एक एक करके हम देखते हैं सोल्यूशन। देखिए एयर इंडिया से जुड़े कुछ देशों के नाम लिखे, तो एयर इंडिया से जुड़े देशों के नाम है सिंगापुर एयरलाइंस, फ्रांस एयरलाइंस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कुवैत इत्यादि, ये जो है ना एयर इंडिया से जुड़े ही सारे ये क्या है, देश है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों के वायु परिवहन महत्वपूर्ण क्यों है, तो आप यहाँ से भी आप दे सकते हैं आंसर। देखिए यहाँ से भी आप दे सकते हैं आंसर, बहुत ही अच्छे से मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ से देखते हैं, इसमें मैं अभी ये देखिए, हाँ ये सारे पॉइंट भी लिख सकते, वैसे मैंने इसका आंसर लिख रखा है यहाँ, देखिए ये इस वजह से है। उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन इसलिए है, दुर्गम तथा ऊबर खाबर क्षेत्र होने के कारण रेल मार्ग बिछाना काफ़ी कठिन होता है, रेल सुविधाएं तथा सड़क सुविधाएं का अभाव होता है, और इसके बाद आप कह सकते हैं जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र कई नदियों का उद्गम स्थल है, जिसके कारण बाढ़ के समय वायु परिवहन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो अभी अभी आपको बताया था वायु, यहाँ देश से आप भी यहाँ से आप इसे कर सकते हैं। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ था, आप यहाँ भी देखिए
वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1953 में। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, आपातकालीन परिस्थिति में कौन सा परिवहन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो आपातकालीन परिस्थिति में कौन सा परिवहन सबसे उपयुक्त है, तो आइए इसे देखते हैं। आपातकालीन परिस्थिति में वायु परिवहन सबसे अधिक उपयुक्त है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।